यूपी की सीट पर सोशलिस्टों का दुर्गढ़ा, हैट्रिक की तैयारी में भाजपा, विपक्ष का हाल बेहाल। सलेमपुर ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो दूसरे आम चुनाव से ही अस्तित्व में है। 15वीं लोकसभा चुनाव के परिसीमन के बाद बलिया जनपद के 3 विधानसभा क्षेत्र इसमें समाहित हो गए। शुरू से ही क्षेत्र में जातिगत समीकरण के बिना जीत पाना आसान नहीं रहा है। जातियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर यहाँ प्रत्याशी चुने जाते हैं। ये सीट भी सोशलिस्ट नेताओं के गढ़ के रूप में जानी जाती थी। 15 चुनावों तक यहाँ भाजपा या इसकी विचारधारा से जुड़े दलों को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। 16वीं लोकसभा में भाजपा ने क्षेत्र के कद्दावर नेता हरिकेवल प्रसाद के पुत्र रविन्द्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाकर खाता खोलने में कामयाबी पाई और लगातार दूसरी बार भी जीत मिली। जातिगत समीकरण के कारण ही रविन्द्र तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस बीच भाजपा ने जाति समीकरण पर विकास रूपी हाल, जैसे तांगे के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाई जाती है, चढ़ाकर एक अभेद्य सा किला तैयार कर लिया है, जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। विपक्षी पार्टियां यहां बेहाल सी नजर आ रही हैं। आजाद भारत के पहले चुनाव में देवरिया दक्षिण से कांग्रेस के सरयू सांसद चुने गए थे। दूसरी लोकसभा में कांग्रेस की विश्वनाथ राय, तो तीसरी बार चौथी लोकसभा में इसी पार्टी के विश्वनाथ पांडे को जीत मिली। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर राम नरेश कुशवाहा सांसद पहुंचे थे। अगले चुनाव में कांग्रेस की प्रति लहर थी और इसका असर यहां भी दिखा। अगले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी। दोनों बार पार्टी के राम नगीना मिश्रा सांसद चुने गए। 9वीं लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के प्रति उपजे आक्रोश के बीच हुआ, फिर विकल्प के रूप में जनता ने जनता दल पर भरोसा जताया। इस पार्टी के टिकट पर हरिकेवल प्रसाद जीत हासिल करने में कामयाब रहे। राम लहर में भी हरी केवल जनता दल के टिकट पर सांसद पहुंचे। 90 का दशक ऐसा था जिसमें लोकसभा के 4 चुनाव हुए। अधिकतर सीटों पर किसी न किसी चुनाव में भाजपा का खाता खुल गया था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सका। इस दौरान सपा, समता पार्टी व बसपा के खाते में सीट गई। अगले 2 चुनाव में भी क्रम से सपा व बसपा के प्रत्याशियों को जीत मिली। पिछले 2 चुनावों में भाजपा ने यहां मजबूत चुनौती पेश करते हुए न केवल खाता खोला बल्कि अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। कठिन चुनौती को देखते हुए विपक्ष की पार्टियां सोच समझ कर प्रत्याशी चुनने के मूड में हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।